हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है सत्तू के पराठे। ये पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस सत्तू के पराठे की रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्तू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम के जितना आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें तेल डाला हुआ है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला हुआ है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके लिए सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसका जो आटा लगाना है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ आटा तैयार करेंगे, जैसे कि हम डेली चपाती के लिए तैयार करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने आटे को अच्छे से मसल के चिकना कर लिया हुआ है। अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, जिससे कि आटा सेट हो जाएगा। जब तक हमारा आटा सेट होता है, तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे सत्तू की। तो यहाँ पर हमने एक बड़े बाउल में लगभग 100 ग्राम के जितने ये चने के सत्तू लिए हुए हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हैं। 3 हरी मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला हुआ है। 1 बड़े साइज़ का प्याज था, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाला हुआ है। 1/2 नींबू का रस डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने पूरा 1/2 नींबू का रस डाल दिया हुआ है, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी खटास आएगी। 2 से 3 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे स्पून से मिक्स किया हुआ है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा इसका जो मिश्रण है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा और स्टफिंग करने में अच्छा रहेगा, आराम रहेगी थोड़ी सी। तो ये देखिए, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमें इसका मिश्रण कुछ इस तरीके का तैयार करना है कि जब हम इसको मुट्ठी में लें तो ये एकदम अच्छे से लड्डू जैसा बन जाए। तो ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग भी बनके तैयार हो गई। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला भी डाल सकते हैं, उससे ये और भी टेस्टी बनेगा। आटा भी हमारा अच्छे से फूल के सेट हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इस साइज की हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लोइयां तोड़ के तैयार कर ली हुई हैं। अब हम एक लोई लेंगे और इसे इस तरीके से राउंड करेंगे। फिर हम इसे सूखे आटे में डिप करेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसके बीच में हम ये थोड़ी सी सत्तू की स्टफिंग रखेंगे, लगभग 1 लड्डू की जितनी हमें इसमें स्टफिंग रखनी है। और अब हम इसे चारों इसके कॉर्नर दबाते हुए इसको अच्छे से सील पैक कर देंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। हाथ से इसे इस तरीके से हम गोल करेंगे और इसे फिर फ्लैट करेंगे और सूखे आटे में डिप करके हम इसे बेल लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता है, थोड़ा सा हम मोटा ही रखेंगे, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको बाटी खाना पसंद है, चोखा बाटी खाना, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसे बेल लिया हुआ है और आप देख सकते हैं हमने इसे इतना थिक रखा है, बस यही इसकी थिकनेस हमें चाहिए है। तो सेम इसी तरीके से हम सभी पराठे बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 पराठे बेल के तैयार कर लिए हुए हैं। अब गैस में हमने एक तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसमें ये पराठा डाल देंगे और जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तो हम इसे टर्न कर देंगे। ऊपर से हम इसे एक स्पून से अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे ये इवनली अच्छे से पकेगा। तो देखिए, अब हम इसमें
थोड़ा सा घी डालेंगे। मैं ये पराठे घी से बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। एक साइड में घी लगाने के बाद हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। और अब हमें इसका अच्छा सा कलर आने तक इसे सेक लेना है। तो ये देखिए, एक स्पून से हल्का सा दबाते हुए हम इसे अच्छे से सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा चेंज हो गया है और ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सत्तू का पराठा बन के तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। ये पराठे अगर आप चोखा के साथ खाते हैं आपको बहुत पसंद आएंगे, आप चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बट इसे मैंने बैंगन के चोखा के साथ सर्व किया हुआ है तो ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट सत्तू के पराठे बनके तैयार हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।